इधर आ। अरे देख क्या रही है, इधर आ। हो ना हो, ये झुमका तो तेरा ही है। चल अब सच सच बता दे तू मुझे, वरना थाने ले जाके इतनी मार मारूंगी ना कि तेरा बेटा भी देखेगा ना तो डर जाएगा। ये झुमका मेरा है इंस्पेक्टर। उस आदमी को क्या लगा कि वो एक भोली भाली विधवा का फायदा उठा लेगा, बेवकूफ बना लेगा उसको? कमजोर होती है औरतें। उसको मैंने दिखा दिया कि औरत की ताकत क्या होती है। मार दिया उसे। बस कीजिए भाभी। भाभी आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए मेरे जुर्म का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही? भाभी आप पर, आभा पर और प्रियंका भाभी पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी, और मैं नहीं चाहती कि प्रसाद खानदान के बच्चों को उस घटिया सुशांत की वजह से कोई तकलीफ उठानी पड़े। भाभी मुझे मालूम था कि सुशांत जैसा लालची इंसान हमारे परिवार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए कल रात को मैंने उसे खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर मैं सरेंडर करती हूँ और अपना जुर्म कबूल करती हूँ। अरे एसपी, अरे मैंने मारा। बस करो अपनी बकवास। अपनी माँ को बचाने के लिए तुम सब झूठ बोल रही हो। इंस्पेक्टर सुशांत को मैंने मारा है, वो मेरी भोली भाली बहू को धोखा दे रहा था, झूठ बोलकर वो फंसा रहा था। इससे पहले कि वो मेरे परिवार को और चोट पहुंचाए, मैंने उसका खून कर दिया। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। झूठ बोलना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, खून मैंने किया। ये बच्ची ऐसे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर मैंने मारा है सुशांत को। चुप चुप हो जाइए आप सब लोग। आप जानना चाहती है ना किसने मारा है उसे? मैंने मारा है। मैंने मारा है उसे, किसी इसी लायक था वो। उसने मेरी अरमानों का मजाक उड़ाया है, मेरी भावनाओं के साथ खेला है उससे, मेरे परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने वाली थी मैं। मेरे वीर के जाने के बाद मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इंस्पेक्टर साहब मेरे छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की उसने। क्या बिगाड़ा था इसने उसका? मेरे हाथ में तड़प रहा था वो, और ये मेरा परिवार अब भी झूठ बोल रहा है, अब भी झूठ बोल रहा है ताकि मुझे बचा सके। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? हाँ क्यों कर रहे हो? मैंने उसे मारा है, कच्चे मरना ही था। चाहिए जो करना है कर लीजिए, अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी यही करती। ऐसा नहीं इंस्पेक्टर, आप ये जज्बाती हो गई इसलिए ऐसी बातें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है ये। अच्छा वही
ऐसा तो हमने फिल्मों में देखा था। क्यों भाई, तुम लोगों ने कहीं देखा क्या ऐसा? एक बात तो है भाई, इस खानदान की एकता की दाद देनी पड़ेगी। हाँ क्यों वकील साहब, आप कुछ नहीं बोलेंगी? वैसे आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करण, अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। नहीं अबा, मैं ये नहीं करता। मतलब ये कि मुझे जिसने किडनैप किया वो भी रणछोड़ ही था, वो तो मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सगे भाई ने लालच में आके हमारे साथ ऐसा किया।